कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। श्रीमद् भगवद् गीता के कथन, धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद् गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और।